गाइस यार बहुत दिन हो गए मैंने एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई जिसके ज्यादा फैंस हैं मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स फॉर एंड्रॉइड, जिनके अंदर आप लोग सिटी और वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपनी पसंद की गाड़ियां ड्राइव कर सकते हैं और फाइटिंग कर सकते हैं। तो कमाल की गेम्स होने वाली है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। चले बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। गाइज हमारी लिस्ट में जो 5th नंबर पर गेम आती है वो है ड्राइव क्लब कार पार्किंग गेम। ये एक पॉपुलर कार पार्किंग है जो मोबाइल डिवाइसेस पर खेला जा सकता है। इस गेम का मेन फोकस कार पार्किंग और ड्राइविंग स्किल्स पर होता है। यहाँ मैं आपको इस गेम के कुछ मुख्य फीचर्स और गेम प्ले एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। ड्राइव क्लब रियलिस्टिक 3D ग्राफिक्स और डिटेल्ड कार मॉडल्स के साथ आता है, जिससे आपको इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस गेम में आपको अलग अलग पार्किंग चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे कि पैरेलल पार्किंग, रिवर्स पार्किंग और टाइट स्पेसेस में पार्किंग। हर चैलेंज यूनिक होता है और आपको कार को सही तरीके से पार्क करना होता है। यहाँ पर आपको इस गेम में अलग अलग टाइप्स के कार्स मिलते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कार, लग्जरी कार्स, SUVs और ट्रक। हर कार का हैंडलिंग अलग अलग होता है, इससे गेम प्ले और चैलेंजिंग बन जाता है। इस गेम में आपको अलग अलग लोकेशंस पर पार्किंग चैलेंजेस मिलते हैं, जैसे कि सिटी, स्ट्रीट्स, पार्किंग लॉट्स और हाईवेज। ये गेम कार पार्किंग एंथुसिएस्ट के लिए एक एंटरटेनिंग और चैलेंजिंग ऑप्शन हो सकता है। आप इस गेम को मोबाइल ऐप स्टोर्स पर डाउनलोड करके खेल सकते हैं और अपने पार्किंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइस अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी लिस्ट की 4th गेम के बारे में, जो है साइबेरिका एक्शन साइबरपंक RPG। ये एक एक्शन पैक्ड साइबरपंक रोल प्लेइंग गेम है जो मोबाइल डिवाइसेस पर खेला जा सकता है। इस गेम का सेटिंग फ्यूचरिस्टिक, जहां आप एक डायस्टोपियन सिटी में रहते हैं जिसे क्राइम और करप्शन ने घेरा हुआ है। इस गेम में आप एक कस्टमाइजेबल करेक्टर बनाते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको अपने करेक्टर को अपग्रेड करना, स्किल्स को डेवलप करना और कई तरह के मिशंस और क्वेस्ट कंप्लीट करके सिटी की मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करना होता है। साइबेरिका में आपको इंटेंस कॉम्बैट, गन फाइट्स और हैकिंग का भी एक्सपीरियंस मिलता है। आप अपने करेक्टर को किसी भी तरीके से पर्सनलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आउटफिट्स, वेपन्स और साइबर एनचेंटमेंट के थ्रू। ये गेम साइबरपंक जेनरे के फैंस के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है, जहां आप फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एडवेंचर्स और चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। अगर आप RPGs और स्काईफाई सेटिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो साइबेरिका एक एक्सप्लोर करने लायक गेम है, तो आप लोग इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। गाइस हमारी लिस्ट में जो 3rd नंबर पर गेम आती है वो है क्रिटिकल ऑप्स मल्टीप्लेयर FPS। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो इनिशियली मोबाइल डिवाइसेस पर के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन अब ये PC पर भी खेला जा सकता है। इस गेम में आप एक काउंटर टेररिज्म यूनिट के हिस्से में होते हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप का हिस्सा बनते हैं और आपको मिशन बेस्ड मल्टीप्लेयर मैचेस में दूसरे प्लेयर्स के खिलाफ खेलना होता है। इस गेम में कई तरह के वेपन्स, मैप्स और गेम मोड्स होते हैं, जैसे कि डिफ्यूज, टीम डेथ मैच और गन गेम। आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके और अपनी वेपन्स को कस्टमाइज करके मैच जीतने की कोशिश करते हैं। क्रिटिकल ऑप्स एक कॉम्पिटिटिव गेम प्ले और ई-स्पोर्ट्स सीन के लिए भी पॉपुलर है और इसमें रेगुलर अपडेट्स और इवेंट्स भी होते हैं, जिससे प्लेयर इंगेज्ड रहते हैं। अगर आप FPS गेम्स पसंद करते हैं तो क्रिटिकल ऑप्स एक ट्राई करने लायक गेम है, आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। गाइस हमारी लिस्ट में जो 2nd नंबर पर गेम आती है वो है ट्रक सिमुलेटर प्रो USA। ये एक मोबाइल ट्रक ड्राइविंग सिमुलेशन गेम है, जिसमें आपको एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभानी होती है और यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग प्रदेशों में आपने ट्रक्स को चलाना होता है। इस गेम में आपको वेरियस टाइप्स के ट्रक्स चुनने का मौका मिलता है और आप अपने चूजिंग ट्रक्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। ये गेम आपको रियल लाइफ रोड ट्रिप्स की तरह एक्सपीरियंस करने का मौका देती है, जहां आपको लॉन्ग हॉल जर्नीज कंप्लीट करने, कॉर्डो ड्राइवर करने और रियलिस्टिक ट्रैफिक रूल्स और वेदर कंडीशन के साथ डील करने का अनुभव मिलता है। आप अपने ट्रक्स को अपग्रेड करके और नया ट्रक्स खरीद करके अपनी ट्रकिंग एम्पायर को एक्सपेंड कर सकते हैं। ट्रक सिमुलेटर प्रो USA का गेम प्ले और ग्राफिक्स अक्सर रियल वर्ल्ड ट्रक ड्राइविंग को सिमुलेट करते हैं, जो ट्रकिंग एंथुसिएस्ट के लिए एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस बनाता है। ये गेम एक एंजॉयबल वे हो सकता है रियल वर्ल्ड ट्रकिंग के एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लिस्ट की फर्स्ट गेम की तरफ, जो मुझे बेसब्री से इंतजार था। तो हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पर गेम आती है वो है बिफोर योर आईज। ये एक यूनिक नैरेटिव ड्राइविंग गेम है जो मोबाइल पर खेल सकते हैं। इसमें आप अपनी आंखें इस्तेमाल करके कहानी को कंट्रोल करते हैं। गेम का मुकैया तौर पर एक फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है और आपको आंखों का ब्लिंक करने का तरीका यूज होता है। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हर बार जब आप आंखें बंद करते हैं, कहानी अगले सीन में आगे बढ़ती है और आप अपने जीवन की कहानी को एक नए दिशा में देखते हैं। बिफोर योर आईज एक इमोशनल और इमर्सिव कहानी है जिसमें आप एक व्यक्ति की जिंदगी की पल पल यादें देखते हैं। आपके डिसीजन और ब्लिंक करते वक्त की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। ये गेम आपको एक व्यक्ति की जिंदगी के कुछ यादें और इमोशंस को अलग अलग तरीके से समझाने का मौका देता है। इस गेम की स्टोरी टेलिंग और आंखों की मूवमेंट को कंबाइन करके ये एक अनोखा गेमिंग एक्सपीरियंस पेश करता है। तो आप लोग अगर ओपन वर्ल्ड गेम्स के फैन हैं, इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस आज की वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को टॉप 5 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स फॉर एंड्रॉइड की गेम्स ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।